नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो भी आपका टॉपिक चल रहा है, समय, शक्ति एवं बचत के जो उपकरण है, ये हमारा पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट इसी में पार्ट थर्ड है, जिसमें आपसे चर्चा करेंगे जो पॉइंट अभी छूटे हुए हैं, जैसे जूसर मिक्सर, जो मिक्सर टॉपिक है, वैक्यूम क्लीनर, कुकिंग रेंज, सोलर पैनल या सोलर कुकर, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद यदि आपको क्वेश्चन कोई पूछ आता है तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं अब इन टॉपिक पर, समय, शक्ति, बचत के क्या उपकरण होते हैं। देखिए यहाँ पर है जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर, जिसको हम एक शॉर्ट फॉर्म मिक्सर कहते हैं। देखिए इसके तीन काम होते हैं, जूस बनाने का काम, मिक्स करने का काम और ग्राइंड यानी पीसने का काम ये करता है। अब देखिए इसका जो सिद्धांत क्या काम करता है, इसका वर्क क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। क्या काम करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। कौन? ये हमारा जो मिक्सी या मिक्सर होता है ये। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक पास करते हैं। तो जो चीजें हम पीस रहे हैं या कह सकते हैं उसको मिक्स कर रहे हैं या जूस बना रहे हैं, तो वो मैकेनिकल में काम करता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। अब देखिए इसमें क्या है, मिक्सर में एक मोटर लगा होता है और मोटर और उसके ऊपर यानी उसके ऊपर वाले पार्ट में आर्मेचर लगा होता है। जो मोटर चलता है उसमें लाइट हीट, मतलब कि जब लाइट उसमें प्रवेश कराते हैं, प्लग लगाते हैं, तो उसमें जब करंट जाता है तो मोटर चलता है। मोटर के चलने से आर्मेचर चलता है और आर्मेचर के चलने से जो डिब्बा, जो कंटेनर होता है, जैसे मिक्सर करने वाला, ग्राइंड करने वाला, ब्लेंड करने वाला, तो जो भी यहाँ पर लगाते हैं जिस डिब्बे को, वो चीज वो काम उस पे जब आर्मेचर घूमेगा तो जो उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं जिस कंटेनर में, जिस डिब्बे में, वही काम वो करता है। तो इसका यही काम है। मिक्सर के मोटर में एक शक्तिशाली क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र होता है, जिसके बीच में आर्मेचर रहता है। क्या रहता है? आर्मेचर रहता है। और ये करंट, ये जो जब इसमें करंट डालते हैं तो ये आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर घूमने से उसमें जो ब्लेड लगा होता है डिब्बे में, वो घूमता है और जिससे कोई चीज हमारा पिस जाता है, मिक्स हो जाता है, जूस बन जाता है। तो यही इस सिद्धांत पर ये वर्क करता है। अब देखिए कार्य के आधार पर इसको मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा गया है। एक आता है जूसर, दूसरा ब्लेंडर, तीसरा ग्राइंडर। भी मैंने आपको बताया ही, जूसर का मतलब क्या होता है? जूसर का मतलब होता है कि ये फल और सब्जियों का करते हैं जूस बनाने के काम में। फलों का भी जूस बनता है, सब्जियों का भी जूस बनता है, ये बनाने के काम में लाया जाता है। अब देखिये ब्लेंडर का काम क्या है? ब्लेंडर का काम है ये मथने का काम करता है, जैसे दूध से दही मथ रहे हैं, तो यानी फेंटने का काम, मथने का काम, मिश्रण करने का काम ब्लेंडर करता है। ग्राइंडर होता है जो कि इसको पीसने का काम करता है, एक में मिश्रित करने का काम करता है। तो ये कार्य के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। इसमें मेन आपको क्या याद करना है, इसके क्या सिद्धांत है और ये कैसे वर्क करता है और इसके कुछ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर मोटर और मोटर हाउसिंग, मोटर जिसकी वजह से मिक्सर चलता है, और इसमें मोटर हाउसिंग क्या होता है? मोटर हाउसिंग वो होता है जहां पर मोटर को सुरक्षित रूप में रखा जाता है, रहता है अंदर मोटर, मिक्सी के अंदर, उसी को बोलते हैं मोटर हाउसिंग। दूसरा आता है गति नियंत्रण स्विच, इसमें गति नियंत्रण स्विच बाहर की तरफ लगा होता है मिक्सी में, जिससे उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तेज कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं गति नियंत्रक स्विच, यानी गति को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लेड्स। ब्लेड्स होते हैं, अलग अलग ब्लेड्स होते हैं पीसने के लिए, मिलाने के लिए, जूस बनाने के लिए, जो जिसमें लगा होता है वो काम, वही जो ब्लेड्स वही काम वो करता है। जार जो जैसे जो पीसने का अलग होता है, जूस बनाने का अलग होता है, तो ये चीजें होती है उसी को हम जार कहते हैं, जिसमें पदार्थों को रख करके पीसते हैं, मिलाते हैं या जूस बनाते हैं। और इसकी देखभाल करने के लिए याद रखना, कभी भी गर्म वस्तु, इसमें गर्म वस्तु नहीं पीसनी चाहिए सबसे बड़ी बात, और इसमें जो भी पीसा जाए उसमें कम से कम बहुत ही ज्यादा ओवरलोड ना हो उस पर, कहने का मतलब उसको पूरा भर करके ना पीसा जाए, कुछ खाली रहे, यानी चार में तीन भाग केवल भरा हुआ होना चाहिए, एक भाग खाली होना चाहिए।
अब रुक रुक कर चलाते रहने चाहिए, इसे काफी देर तक पीसना है, थोड़ी देर मोटर को बंद करके चलाना चाहिए, जिससे क्या होगा मोटर खराब नहीं होगा, और नहीं तो कभी भी कभी जल जाने की भी संभावना हो जाती है। और ये धुआं दे रहे हो, मोटर की आवाज चेंज हो, तो उस समय जो है बंद कर देना चाहिए मोटर को। तो ये चीजें हो गई, मैंने आपको बताया किसके बारे में, जूसर और मिक्सर के बारे में। अब आते हैं, ये चीज आप याद रख लेना, और बहुत ही शॉर्ट में है, बहुत अच्छी चीजें हैं, हमें ऐसे भी नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। अब आता है हमारा वैक्यूम क्लीनर। क्या है वैक्यूम क्लीनर? ये क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, जो साफ सफाई करने के काम में लाया जाता है, फर्श, दरी, कालीन, दीवार, छत आदि की सफाई करने के लिए इनका उपयोग में लाया जाता है। ये जो बड़े बड़े होटल होते हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं महल होते हैं, कहने का मतलब ये हाई स्टैंडर्ड के लिए होता है ये। और ये जो है इसका सिद्धांत क्या है, ये चूसण का काम करता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि सिद्धांत पे काम करता है चूसण, यानी सक करने का काम, सकिंग करने का काम। अगर चूसण ना दिया रहे तो आप सकिंग शब्द अगर दिया रहेगा तो जान लीजिए जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है वो सकिंग के सिद्धांत पर काम करता है, यानी जो कूड़े होते हैं, जो धूल गर्द होता है, उसको खींच लेने का काम करते हैं। तो ये याद रखना कैसे करते हैं, यह जो होता है जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो हवा को कम दबाव वाले स्थान की ओर धकेलता है। जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो हवा को कम दबाव वाले स्थान की ओर धकेलता है, जिससे क्या होता है निर्वात यानी वैक्यूम खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है, जिससे के कारण से जो धूल होती है, मिट्टी होती है, वो अंदर की तरफ खींच जाती है, जैसे चलता रहता है वो पंखे की तरह, और वो हवा उसमें से निकलती रहती है, जिससे जितने भी धूल गर्द आगे आते जाते हैं उसको अपनी तरफ खींच लेने का काम करता है। तो ये हो गया वैक्यूम क्लीनर, सकिंग के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, विद्युत चालित और स्वचालित। याद रखना विद्युत चालित और स्वचालित। विद्युत चालित में मशीन के द्वारा इसमें हैंडल, यानी इसमें हैंडल लगा होता है, आगे की तरफ प्लास्टिक बना होता है, इसमें से कूड़ा इकट्ठा होता है और उसको हैंडल से चलाते जाते हैं पकड़ करके, और वो कूड़ा हमारा साफ करता जाता है, धूल गर्द साफ करता जाता है, चाहे वो दरी की हो, कालीन की हो, छत की हो, फर्श की हो, किसी की भी हो, और साफ कर देता है। जब वो भर जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है, फिर पुनः चलाते हैं। और स्वचालित में क्या होता है, इसमें लंबे से एक स्टिक होती है, उसके आगे एक बना होता है डिजाइन, इसमें कूड़ा इकट्ठा होता है, और जब वो भर जाता है उसमें वार्निंग आने लगता है, आवाज आने लगती है, जिससे ये पता चल जाता है इसका ये भर गया डिब्बा, इसको खाली कर दिया जाए। ये हमारा होता है स्वचालित। अब आता है मुख्य भाग में। मुख्य भाग इसका जो बॉडी होती है किसकी बनी होती है, क्रोमियम की बनी होती है। याद रखना किसकी बनी होती है, क्रोमियम की बनी होती है। और इसमें दो पार्ट में ब्रश करने का, ब्रशिंग करने का भी काम करता है, प्लस पिचकारी करने का काम करता है, यानी कोई निसंक्रमण, कोई छिड़काव करना है तो उसके लिए भी वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते हैं, यानी साफ सफाई करने के लिए प्लस छिड़काव करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा वैक्यूम क्लीनर और मिक्सर ग्राइंडर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा माइक्रोवेव। क्या है माइक्रोवेव? माइक्रोवेव में क्या है, इसमें पकाने के लिए भूनना, दूध पानी को, यानी कह सकते पकाना, भूनना, उबालना, दूध को उबालना, पानी को उबालना, तो इसके लिए हो जाता है। और इसके साथ साथ भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक गर्म करने के लिए रखने के लिए भी माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है सिद्धांत क्या करता है, ये या ऊष्मा रेडिएशन के द्वारा, क्या है रेडिएशन, शब्द याद रखना, रेडिएशन द्वारा इलेक्ट्रॉन की सहायता से भोजन को गर्म करता है। किसके द्वारा, रेडिएशन के सिद्धांत के द्वारा, यानी रेडिएशन द्वारा इलेक्ट्रॉन की सहायता से भोजन को गर्म करता है। कौन, ये हमारा माइक्रोवेव। इसमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए, सावधानियां, इसमें धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें चीनी मिट्टी, पोर्सलिन, नॉन ब्रेकेबल हीटिंग, कांच और प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। ये बातें आप याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो माइक्रोवेव होता है ये थोड़ा महंगा होता है, और इसमें भूनने, सेकने, गर्म करने, उबालने का काम किया जाता है, और इसमें जो है धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये रेडिएशन के सिद्धांत पर काम, रेडिएशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से भोजन को गर्म किया जाता है, ये हमारा होता है माइक्रोवेव। और इसमें ध्यान रखना है कि धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है, चीनी के बर्तन, पोर्सलिन के, नॉन ब्रेकेबल हीटिंग के, कांच के, प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए इसमें, जो इस पर का प्रभाव ना पड़े।
अब आता है हमारा कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज भोजन को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें भी देखिए बेक करने के लिए व्यवस्था होती है, भून कर, सेक कर, केक, पिस्ट्री, बिस्कुट, ये सब चीजों को बनाने के लिए कुकिंग रेंज का प्रयोग किया जाता है। तो कुकिंग रेंज जो है बेक करने, भून कर, सेक, भून करने के, भूनने के लिए, सेकने के लिए और केक, पिस्ट्री, बिस्कुट बनाने के लिए, इसके साथ साथ सब्जियों को भूनने के लिए, मांस को रोस्ट करने के लिए भी कुकिंग रेंज का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो ये कुकिंग रेंज होता है ये क्या काम करता है, ये भोजन को आंशिक रूप से संचालन द्वारा, आंशिक रूप से संवहन द्वारा, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों मेथड के द्वारा जो भोजन को पकाया जाता है, किसमें, कुकिंग रेंज में। अब इसमें बात याद रखना है जो जो बॉडी पार्ट होता है कुकिंग रेंज का, आपके चित्र भी दिया गया होगा, आपकी बुक में देख लीजिएगा, इसकी जो रेंज की जो बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, पोर्सिलिन की बनी होती है, एनामल की बनी होती है या स्टील का बना होता है, इसमें से तीनों में से कोई एक होता है, पोर्सिलिन और एनामल या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और इसका जो बाहरी जो परत होती है इसमें टाइटेनियम एनामल लगी होती है उसमें, जिससे उस पर पानी का कोई प्रभाव ना पड़े, यानी गीला ना हो पाए, खराब ना होने पाए, यानी इसका पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसमें क्या लगा होता है, टाइटेनियम एनामल लगा होता है। अब आता है इसमें बर्नर्स, यानी इसमें तीन बर्नर्स होते हैं, तीन चूल्हे होते हैं, तीन चूल्हे को जला सकते हैं और ये ऊष्मा नियंत्रक होता है जो ताप को नियंत्रण रखने का काम करता है। और इसमें जो होते हैं बर्नर्स तीन होते हैं, इसमें भोजन आसानी से पक जाता है, इसमें आसानी से पक जाता है और ये कह सकते हैं अधिक ज़्यादा जहाँ पर व्यवस्था होती है इसे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में या बहुत ज़्यादा जहाँ पर रेस्टोरेंट इस तरह से होते हैं तो वहाँ पर कुकिंग रेंज का प्रयोग किया जाता है। और अब आता है हमारा सोलर कुकर, क्या है, अब हमारा आता है सोलर कुकर। ये क्या होता है, ये इस समय बहुत ही अच्छा माध्यम है क्योंकि ये हमारा जो है रेन्यूएबल एनर्जी होती है जिसमें बहुत ही कम शक्ति, धन और श्रम की आवश्यकता पड़ती है इसमें। और ये क्या जो सिद्धांत होता है, ये ताप को अवशोषित करने का काम करता है, क्या है, ये सूर्य से चलने वाला यंत्र है, ये ताप को यानी सूर्य की रोशनी को अपने में अवशोषित कर लेता है, इस पे काम करता है जिससे वो अंदर का पार्ट गर्म हो जाता है और जिससे वो जो भोजन अंदर रखा हुआ होता है वो पक जाता है। तो ये होता है ताप की अवशोषण क्षमता को बढ़ाना। अब बढ़ाने के लिए इसमें इसका जो बॉडी होती है वो काले रंग से पेंट होती है, जिसे क्यों काला रंग होता है, क्योंकि ये क्या होता है, काले रंग जो होता है गर्मी को ज्यादा अवशोषित करने करती है, इसी वजह से ताप को शोषित करने का काम करता है और काले रंग से पेंट होता है और इसमें भोजन आसानी से पक जाता है, लगभग 4 से 5 घंटे भोजन पक जाता है, एक साथ कई भोजन को इसमें पका सकते हैं। इसमें भोजन जो पकते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं, इसमें बर्तन जलते नहीं है, खराब नहीं होते हैं, इसमें कोई चीज़ की जलने की संभावना नहीं होती है क्योंकि एक टेम्परेचर पे होता है और इसमें निश्चित मात्रा में सब चीज़ें रख कर मिला करके रख देते हैं, केवल उसमें पकना रहता है और हर जगह पर ये आसानी से पकाया जा सकता है। इसमें अधिक कम से कम समय, श्रम और धन, धन थोड़ा एक बार लगता है लेकिन उसके बाद इसमें धन नहीं लगता है। तो ये हमारा होता है सोलर कुकर। अब आते हैं हमारा एग बेटर, क्या होता है एग बेटर। ये देखिए एग बेटर जो होता है ये अंडा फेंटने के काम में लाया जाता है, एग बेटर से नाम से पता चल रहा है क्या होता है, ये अंडे फेंटने के लिए उपयोग में लाया जाता है एग बेटर को। ये दो प्रकार के होते हैं, रोटरी और विस्क, क्या होते हैं, रोटरी और विस्क होते हैं। ये जो रोटरी बेटर होता है ये फेंटने के काम, यानी अंडे को फेंटना, डफ तैयार करना और कोई चीज को मिक्स करना, मिलाने के काम के लिए रोटरी बेटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो विस्क होता है ये थोड़ा महीन होता है, महीन जाली का होता है और ये जो अंडे का जो सफेद पार्ट होता है इसको, क्योंकि अंडे के सफेद पार्ट में क्या होता है, वायु का संचरण अधिक होता है जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम, आयतन बढ़ जाता है, इसके लिए विस्क का प्रयोग करते हैं। तो शब्द आ सकता है विस्क का काम क्या है, अंडे को फेंटना के काम में लाया जाता है। तो ये शब्द कभी कभी केवल शब्द से ही रोटरी बेटर क्या होता है अब आप बता नहीं पाएंगे, रोटरी बेटर नहीं, अगर आप पढ़े होंगे तभी आप इसका आंसर देखो, कुछ नहीं केवल आपको रटना है, बताना है रोटरी बेटर होता क्या है। तो देखिए ये आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई। तो कुछ कुछ चीजें शब्द से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है ये शब्द कहाँ से लिया गया है,
किससे रिलेट है ये भी आपको जानना है। तो यानी एग बेटर क्या है, एग को फेटने के काम में लाया जाता है, दो प्रकार का होता है, रोटरी और विस्क। रोटरी फेटने मिश्रण करने के लिए काम में लाता है, विस्क भी फेटने के काम में आता है, लेकिन जो सफेद वाला पार्ट होता है उसके लिए अच्छा होता है कौन सा, विस्क। तो ये आपको आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा, जिसे मैंने आपको बता दिया है जूसर मिक्सर ग्राइंडर का काम क्या है ये मैंने आपको बताया। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये जो वैक्यूम क्लीनर होता है ये चूषण के सिद्धांत पर काम करता है, और जो हमारा माइक्रोवेव होता है ये रेडिएशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की सहायता से भोजन को ये पकाता है। और हमारा इसके बाद आता है कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज क्या है, भोजन को आंशिक रूप से संचालन यानी कन्वेक्शन कंडक्शन और रेडिएशन के द्वारा भोजन को पकाता है। तीसरा पॉइंट सोलर कुकर है, ये ताप को अवशोषित करता है, इसके बाहरी परत में काले से पेंट होता है, काला रंग जो होता है वो ताप को अवशोषित करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। ये हो गया। अब एग बेटर क्या है, एग को फेटने के काम में लाया जाता है। तो ये चीजें हो गई। आशा करती हूँ कि कम समय में आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आया होगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये हमारी वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया इसको देखते रहिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए और घर बैठे अपनी तैयारी करिए और कोरोना से बच के रहिए। जितना आवश्यकता हो उतना ही आप बाहर निकले, अन्यथा आप बाहर ना निकले। तो हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।